ये दुनिया एक मदरसा है और हम सब तालिबे इल्म। मौलिम सिर्फ एक जात है, हक़े तादा, वो जिसका जैसे चाहता है इम्तिहान लेता है और अपने ख़ास बंदों को इस इम्तिहान के ज़रिए कुंदन बनाता है। हर किसी को अपना अपना इम्तिहान देना है। अल्लाह हर इम्तिहान के बाद तुम्हें इनाम देगा। कैसे बनाई जाती है? जी हाँ, अच्छी तरह फौलाद को खूब ज़र्ब लगाकर, चोट मारकर इस शक्ल में ढाला जाता है। इसी तरह कान कुन धात को और चमड़ा सास खाल को बनाता है। इसी तरह अगर ये तुम्हारी तलवार आग में ना डाली जाए तो फिर सिर्फ ये एक लोहे का टुकड़ा है। है अल्लाह सच है वल्ला, ईमान हमारा हमें बताता है। वल्ला हो जो जिक्रे अल्लाह लोहा मोम बन जाता है। लोहे का टुकड़ा आग में जाए, जर्ब लगा के शक्ल में लाए, कान कुन तलवार बनाता है। चमड़ा साज खाल सुखाए, चमड़ा सब मराहिल पाए, बावकार लिबास बनाए। बात है, कहर बनकर टूटेगी दुश्मनों पर, ये तुम जैसे बहादुर के हाथ में मजलूमों का दिफा करेगी। सदा पता मन रहो इंशाअल्लाह। ज़ुल्फ़िकार से बेहतर कोई तीख नहीं, ना अली से ज्यादा कोई बहादुर इस दुनिया में। उनकी बहादुरी का यकीनन कोई मुकाबिल नहीं। इंशाअल्लाह ये जुल्म के खिलाफ ही उठेगी हमेशा। बन के कहर दुश्मन पे टूटे, मजलूमों का दिफा करे। ज़ुल्फ़िकार से बेहतर तीख नहीं जो जुल्म के खिलाफ उठे। अली मुर्तज़ा के जैसा दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। खैबर का दरवाजा उखाड़ा है, हैदर कर्रार जो आए, दुश्मन कोई टिक ना पाए, सजदे किए तलवारों के साए में। सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इंसान समझता है कि सब कुछ उसके इख्तियार में है, यही भूल है इसकी। कभी दौलत के पीछे भागता है तो कभी शोहरत के पीछे। नादान है, नहीं जानता कि ये सब कुछ बेमानी और फना हो जाने वाला है। दुनिया सिर्फ अपने लिए सोचे, दुनिया से ही उम्मीद लगाती है। इंसान खुद को ताकत समझे, यही उसकी बड़ी भूल है। पीछे कभी दौलत के भागे, भागे कभी शोहरत के पीछे। जाने नहीं ये सब बेमानी है, सब कुछ फना हो जाना है, सब यही पे।